पीएल पुनिया कह रहे हैं कि अब तो वो बीजेपी वाले हो गए, सचिन पायलट बीजेपी के नेता हो गए हैं। तो पहले से इनके मन में उठे हुए, इनको कोई भी कार्यकर्ता बोलता है संभालने की फुर्सत नहीं है, जो भी कोई बोलेगा उसको आरोप बीजेपी पे लगा देंगे। तो ये सोचिए अपने घर में कि ऐसे लोग आपके इतने पुराने लोग सीनियर लोग क्यों आपसे जा रहे हैं। पीएल पुनिया जी को अपने अंदर झांकना चाहिए। कांग्रेस के कई नेता हैं, एक अंतिम सवाल जानना चाहता हूँ, कांग्रेस के कई नेता हैं, चाहे महाराष्ट्र से संजय निरूपण हो, चाहे यहाँ से कपिल सिब्बल हो, बार बार एक आवाज़ उठ रही है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर नेता आखिर बार बार बाहर क्यों जा रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप कांग्रेस पार्टी के अंदर पूरी तरीके से कलह मचा हुआ। बिल्कुल, आखिर इतने सीनियर अगर नेता बोल रहे हैं तो कलह स्पष्ट चढ़ गया। उन्होंने कहा मुझे बड़ा कष्ट है कि अस्तबल से पूरे घोड़े भाग जाएंगे, जब जाकर के भी पार्टी चेतेगी क्या? तो घोड़े तो जहाँ हरियाली है वहाँ जाएंगे घोड़े, अगर सूखे में रहेंगे तो उनके खुर गिर जाएंगे। और कांग्रेस का कुनबा बुरी तरह से बिखर रहा पूरे देश में, ये कोई पहली बार राजस्थान में नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ संवाद की कमी है, वहाँ मिलने की कमी है, वहाँ समय देने की कमी है, वहाँ संभाल की कमी है, वहाँ कार्यकर्ता की चिंता की कमी है, इसलिए कांग्रेस बिखर रही है। और कांग्रेस अपने कुकर्मों से बिखर रही है, एक परिवार की पार्टी हो गई, एक व्यक्ति की पार्टी हो गई, बाहर कोई पार्टी जा नहीं पाते तो इसलिए भी कर रही है। इतनी पुरानी कांग्रेस, सबसे पहले राज करने 70 साल राज में रहने वाली कांग्रेस, जिसमें आज कपिल सिब्बल जी का ट्वीट इतना आया है कल, जो वो तो कपिल सिब्बल जी तो बहुत एग्रेसिव एडवोकेट है पार्टी के, उनको ये कहना पड़ा, तो वो उनको सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं पीड़ा जरूर है हर एक के मन में। बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात यह है कि जो पीड़ा कांग्रेस के तमाम जो बड़े नेता हैं एक एक करके अलग होते चले जा रहे हैं, उनके मन में पीड़ा है, कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व तो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए दूसरी पार्टी की तरफ जो तमाम बड़े राज्यों के नेता हैं वो रुख कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि राजस्थान में क्या अशोक गहलोत अपनी सरकार बचा पाते हैं, क्या सचिन पायलट भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं या एक अपनी पार्टी बनाते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सत्ता में एक बार फिर से काबिज होती है। वीडियो जर्नलिस्ट नरुदेश्वर के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।